Rebecca, Lucifer, I'm Shama, the line of the I'm a guest, Assalamualaikum, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा वगास। आज की वीडियो है इस मोस्ट वायरल सुनीसा फाउंडेशन के ऊपर। ठीक है, मेरे पास जो शेड इसका वो आइवरी 02 है और ये मैंने चाइना से शिप करवाई है। ड्रास से ऑर्डर की थी, पर ड्रास पे सेलर होते हैं जो कि चाइना से आपको प्रोडक्ट शिप करके देते हैं और ये मुझे एक महीने बाद मिली है जाके ऑर्डर के। और अब इसको खोलने लगी हूँ मैं यहाँ से। ये इसका जो लेबल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये 100% ओरिजिनल है। आपको पैकिंग से भी आइडिया हो गया होगा, इसके ऊपर इसका जो ये होलोग्राम वगैरह होता है सारा कुछ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम खोलने लगे हैं। पैकिंग आप देख लें इसकी कैसी है, काफ़ी बड़ी है साइज में। अंदर से देखते हैं हम कैसी। मैंने खोली नहीं थी कि वीडियो में ही खोल लूँगी। वाओ, ये जी फाउंडेशन हमारी कितनी क्यूट है। और साथ में जी इसका मशरूम भी आया है हमारा। ये हमारी सुनीसा फाउंडेशन और ये इसका मशरूम। मैं तो सबसे पहले जो इसका मशरूम है इसको पानी में डिप करके देखती हूँ कि ये लार्ज होता है साइज में कि नहीं होता। यस, ये अपने साइज से बड़ा हो गया है। क्या लगता है, वर्क करेगा कि नहीं करेगा? मुझे वैसे इससे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जिस तरीके से वो दिखा रहा था, लड़की सोई हुई थी, उसके मुंह पे खड्डे थे, उन्होंने सुनीसा फाउंडेशन लगाई और उसके खड्डे फिल हो गए सारे। मुझे इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं है इससे, क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट। ये देखें जी, ये इनलार्ज हो गया अपने साइज से। अब इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निचोड़ देते हैं हम अच्छे से। सारा एक्सेस वाटर जो है इसमें से निचोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके बाद इसको प्रेस कर रहे हैं ऐसे करके, जिसके अंदर से फाउंडेशन बाहर आ गया। ठीक है, अब जैसे वो लगाते हैं वैसे हमने लगाया, ज्यादा लग गया है तो वो तो थोड़ा सा लगाते हैं। बाद में इसको एक हाथ में अप्लाई करूंगी और देखते हैं फिर हमारा एक हाथ जो है वो कैसा रिएक्शन है, क्या होता है, चिपकती है कि नहीं चिपकती फाउंडेशन। क्या लगता है आपको, इसे वर्क करेगी कि नहीं करेगी? गेस करो सारे, नीचे कमेंट करना। आप इतने मिनट पे हमने कमेंट कर दिया था कि ये वर्क करेगी कि नहीं करेगी। व्हाट द हेल मैन, ये तो फील भी नहीं हो रहा कुछ लगाया हुआ है। ना करो चाइनीज, मत करो ऐसे हमारे साथ। वाओ यार, मतलब टू गुड। ये देखें, पता भी नहीं चल रहा कुछ लगाया। आपको क्लोज से दिखाती हूँ, मतलब यार ये हमें पागल बना रहे हैं या हम बने बनाए पागल हैं, यकीन नहीं आ रहा मुझे। ओ माय गॉड, कैसे हो सकता है ऐसा। देखो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, दोनों हाथों में नजर आ रहा होगा। अब इसे पानी का शावर करके मारती हूँ कि वो उन्होंने कहा था ना कि शावर मारने के बाद ये तो हटता नहीं है, फिक्स हो जाता है। लेट्स सी कि हटेगा कि नहीं हटेगा। भाई तो ये है जी शावर, ये है जी मेरे दोनों अपने हाथ और अब मैं इस हाथ पे जो है वो शावर करने लगी हूँ ढेर सारा। वाकई यार ये तो उतर भी नहीं रहा। ये देखो क्या बात है जी। हाँ, जब हम कोई व्हाइट कलर की फाउंडेशन या कोई चीज लगाते हैं नकल्स पे तो वो ग्रे हो जाती है और काफी बुरी लगती है, तो ये ग्रे भी नहीं लग रही और पता ही नहीं लग रहा कि कुछ लगाया हुआ। ये देखें, जब तक कि मैं इसे नीचे ना करूं और आपको डिफरेंस नजर ना आए यहां से देखें ये। वाओ, अब इसको फेस पे ट्राई करते हैं। ठीक, नजर आ रहा है कुछ भी? आज तो लिपस्टिक मैंने नहीं लगाई हुई। आपने बोला था कल, आप लोगों ने बोला था खुद ही कि आप ही ऐसे ही आ जाया करें, सर फाड़ मुंह झाड़ जो भी होता है हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो अब मैं ऐसे आई हूँ, किसी ने कमेंट किया कि ऐसे आ गई है मुंह धोए बगैर, तो देख लेना अच्छी बात नहीं होगी। ओके, अब इसको हम लगाने लगे हैं। इसे प्रेस किया, ये देखें इस पर डिजाइन आ गया इसका। और इसको जो है अभी मैं हल्के से लगाती हूँ। मुझे ये भी था कि कलर काफी लाइट है, पता नहीं मेरे फेस पे ग्रे ना हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी ग्रे नहीं हुआ। ऐसे काफी लिक्विडी सा है क्योंकि ये एक्चुअली सीसी क्रीम है ना इसकी। ये देखें मेरे तो हाथ दुख गए भाई। क्योंकि फेस पे मैं इसलिए ट्राई कर रही हूँ कि हाथ की और फेस की स्किन जो है वो डिफरेंट होती है। जगह जगह पे हट रही है, देखें ये देखें, जहां मुझे चोट लगी हुई है ना इस जगह पे से भी हट रही है ये, और डार्क सर्कल वाला एरिया भी ग्रे कर रही है, पूरा ऐसा नीला सा लाइन नजर आ रही है हुई है। अब आपको आधे चेहरे में डिफरेंस नजर आ रहा होगा साफ, फेस पे जो ये ग्रे कर रही है, हाथों पे नहीं कर रही। हाथों पे ये काफी अच्छी लग रही है, पता ही नहीं चल रहा कि हाथों पे आपने कुछ लगाया हुआ है। आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा साथ में, और जितना मर्जी रगड़ो, स्पंज लगाओ, पानी लगाओ, ये नहीं उतर रही, पर फेस पे अच्छे से नहीं बैठ रही है। देखे आपको उंगलियां फेर रही हूँ ना, आपको नजर आ रहा होगा कि उंगलियों से रिप्लेस हो रही है ये देखे।
अब मैं हल्का सा इसके ऊपर मेकअप करके देखती हूँ कि मेकअप करने के बाद ये कैसी लगती है, ठीक है। मैं ऑफ कैमरा लेशेज अच्छे से लगा के देख लेती हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा कैसी लग रही है। थोड़ी सी तैयार हो गई हूँ, मैंने क्या किया है, लिपस्टिक लगाई है, लाइनर और लेशेज, ठीक है। इस तरफ देखने कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना कोई ब्लश वगैरह ना कुछ, वही सेम लाइनर और लेशेज जो है यहाँ पे भी लगाई हुई है, वही सेम यहाँ लगाई हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई है, आईब्रोज फिल की है मैंने हल्की सी। तो अब आपको दोनों साइड का डिफरेंस दूर से और करीब से गर्दन पे भी नजर आ रहा होगा, ये देखो इतनी इतनी गर्दन पे मैंने लगाया था फाउंडेशन यहाँ तक, ठीक है। और काफी देर बाद ये कुछ क्लोज से दिखा रही हूँ आपको, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये देखें। और जो डार्क सर्कल के नीचे वाला एरिया जो हल्का हल्का ग्रे लग रहा था ना, वो अभी भी लग रहा है ग्रे, पर दूर से, क्योंकि मुझे डार्क सर्कल भी शायद बहुत ज्यादा है इस वजह से, या क्या मसला है, क्योंकि हाथों पे भी आपको देखो अभी तक भी ये हाथों से नहीं उतरा, आपको दोनों हाथों का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको दोबारा अप्लाई करके देखती हूँ, क्योंकि उस टाइम ये हट रहा था, अब मैं दोबारा जो है इस पर से थोड़ा सा लेने लगी हूँ फाउंडेशन, ठीक है, और इसको दोबारा अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है, ठीक है। इस तरीके ये देखें, और ये गीले स्पंज के साथ अप्लाई होगा, मतलब आपने स्पंज को पानी में डिप करा, उसके बाद उसको अच्छे से निचोड़ लिया, और उसके बाद उससे आपने उसको अप्लाई करना है, तो ये आपका बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। डार्क सर्कल वाले एरिया पे इस तरह लगा रही हूँ कि देखती हूँ कवरेज कैसी है अब इसकी दोबारा एप्लीकेशन करने पर। देखिए अब रिप्लेस भी नहीं हो रहा जैसे पहले हो रहा था। अब मैं इसको अगर ऐसा करके खड़ी होती हूँ ना, तो लगेगा मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हो, आपको गर्दन से नजर आएगा क्या लगा हुआ है, आपको ऐसे दिखाती हूँ, लग रहा है कुछ भी नहीं लगाया हो। और जब ऐसा दिखाऊंगी तो फिर आपको दोनों एरिया में जो है वो डिफरेंस साफ नजर आएगा। आप इसके ऊपर भी पानी डाल के देखते हैं कि ये पानी से हट रहा है कि नहीं हट रहा है, ठीक। अच्छे से मैंने ढेर सारा छिड़क दिया इसके ऊपर, अब मैं इसको हटा रही हूँ और ये नहीं हट रहा, ये देखें नहीं रिप्लेस हो रहा है, ये देखें। अब मैं कुछ घंटे तक इसको लगा रहने देती हूँ, देखती हूँ कितना लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि हाथ पे लगे हुए इसको घंटा हो गया, बीच में मैं खाना बनाने गई थी और मैंने मिर्ची वाले हाथों से लेंस लगा लिए थे, पूरी आंखें लाल हो गई थी मेरी, इतना पानी निकला था आंखों से, तो ये फाउंडेशन नहीं हटा था अपनी जगह से। और हाथों पे देखे अभी तक एज इट इज ही लगा हुआ है, दोबारा पानी छिड़क के देखते हैं हाथों पे, ये देखें पक्का हो गया है बिल्कुल। तो एक घंटा हो चुका है इसको लगे हुए, और आप देख लें अभी तक भी एज इट इज है, कोई इसने ऑयल नहीं छोड़ा, नोज से रिप्लेस हो गई है, देखें नोज की टिप से रिप्लेस हो गई है, बाकी अभी तक ही एज इट इज ही है ये। दोबारा पानी छिड़क के देखें कि उतर रही है कि नहीं उतर रही है उसके ऊपर, ये देखते हैं ये उतरती है कि नहीं उतरती। पानी देखना कैसे बह रहा है इसके ऊपर से, जब पानी बह रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो है वो फिक्स हो जाती है, ठीक है, ये देखें। और डिफरेंस भी आपको साफ नजर आ रहा होगा आधे चेहरे पे आधे पे। अब बस मुझे ये है कि ये हाथों पे ज्यादा अच्छा वर्क कर रही है फेस के नीचे, ठीक है। आप इसको किसी स्टिक के ऊपर या किसी चीज के ऊपर हल्का सा लगा दो ना, तो उससे आपके उस बेस के ऊपर ग्लो आ जाएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। कोई भी फाउंडेशन लेकर ये लगा लिया इस तरफ, ठीक है, इसको ब्लेंड कर लू इसी स्पंज से, जो है मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, ये देखें। अब ये देखें ये मेबेलिन का फाउंडेशन, इसकी कवरेज देखें आपका डिफरेंस नजर आएगा साफ, इसकी कवरेज देखें मैंने कितना थोड़ा सा लगाया था और बिल्कुल नेचुरल कवरेज है इसकी। अब ये जिस तरीके से लग रहा है ना उसकी निस्बत ये वाली कवरेज बहुत नेचुरल लग रही है। अब आप इसके ऊपर ना इसको लगा सकते हैं, ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। हमारा सुनीसा फाउंडेशन, मैं इसको बार बार मुनीसा मुनीसा करने लग जाती हूँ, पता नहीं क्यों, ये बिल्कुल हल्का सा लेना है ना होने के बराबर ऐसे, और आप इसके ऊपर जो है इसकी कवरेज दे दें, उससे क्या होगा वाटर प्रूफ हो जाएगा और आपका फाउंडेशन जो है वो हिलेगा नहीं। आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो उसके लिए बेस्ट है, बस कोशिश करें कि ओरिजिनल मंगवाएं, जो मैंने मंगवाया चाइना से ओरिजिनल जो है आपका वो 1500 की रेंज में आएगा, ठीक है। ये देखें नजर आया, नीचे फाउंडेशन लगा और उसके ऊपर ये लगाया तो कितनी अच्छी इसने कवरेज दी है, ये देखें। आपको इन डार्क सर्कल में और इन डार्क सर्कल में फर्क भी नजर आ रहा होगा कि बहुत ओवर भी नहीं लग रहा, बहुत नेचुरल लग रहा है और पता भी नहीं लग रहा कि कुछ लगा हुआ है, ये देखें। तो बाकी मेरी तरफ से जो है वो रिकमेंडेड है। अब मुझे साइड इफेक्ट इसके नहीं पता, क्योंकि कोई भी ऐसी फाउंडेशन जो आपके फेस पे चिपक जाए वो आपके पोर्स को क्लॉक कर देती है और उसके साइड इफेक्ट आपको मिलते हैं 2 से 3 दिन बाद कि आपके स्किन पे बम्स बनने लग जाते हैं और दाने बनने लग जाते हैं, जैसे कि काशिश की फाउंडेशन का था, जैसे कि डर्माकोल की फाउंडेशन का था कि वो आपकी स्किन पे चिपक जाती थी और उसके बाद आपकी स्किन जो है वो सही बुरी तरीके से डैमेज होती थी और ब्रेकआउट होते थे आपकी स्किन के ऊपर। ऑयली स्किन पे ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, जहां नोज पे ऑयल आ रहा था तो ये मेरे नोज से जो है वो बार बार रिप्लेस हो रही थी। आप इसको फाउंडेशन के ऊपर लगाओ तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, हाथों पे आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। मैंने आपको दोनों हाथों पे भी अप्लाई करके दिखाया था, आधे फेस पे भी अप्लाई करके दिखा दिया है, हर तरीके से जिस तरीके से रिव्यू हो सकता था मैंने कर दिया है। अब आई होप कि आपकी कंफ्यूजन दूर होगी होगी कि आपने बाय करनी है या नहीं बाय करनी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, ये था मेरा सुनीसा फाउंडेशन का रिव्यू जो आप लोग काफी टाइम से मांग रहे थे, फाइनली मैंने दे दिया। आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखना ना भूलना, ठीक है।